Hey, what's up guys? Once again, welcome back to the good life and this is D here. तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़ा। ये एक स्ट्रीट फूड है। दही बड़े के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है उड़द दाल और मूंग दाल। मैंने इसे रात भर भिगो के रखा है। अब हम इसे पीस लेंगे। हमें इसे थोड़ा सा कोर्स रखना है ताकि जब हम बड़े खाएंगे तो हमें थोड़ा सा मुंह में बाइट आए। तो ये देखिए हमारा पेस्ट लगभग बन चुका है। ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। चॉप्ड ग्रीन चिलीज और जिंजर, बेकिंग सोडा और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे और इसे फेंटेंगे जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी ना बन जाए। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस बैटर को टेस्ट कर लेंगे कि ये फ्लफी बन चुका है या नहीं। एक बोल में पानी लेंगे और पानी के अंदर हम थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब बैटर हमारा रेडी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। अब हम इसके अंदर तेल गरम करने के लिए छोड़ देंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि बैटर को होल्ड करने में आसानी हो। ये हाथ में आपके चिपकेगा नहीं। तो एक एक करके हम इस साइज़ की बॉल बना के हम तेल में छोड़ देंगे। बीच बीच में ऐसे चलाते रहें। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाकी बड़े को भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। हमारे बड़े रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमें गर्म पानी लेना है तो उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। पानी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर बड़े डाल देंगे और इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। बीस मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखा, बड़े फूल चुका है। अब हम पानी को निकाल लेंगे और प्लेट में ऐसे रख देंगे एक करके।
आप प्लेट में सर्व करने से पहले रखें। अब हम इसके ऊपर एक एक करके सारे चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हमें डालना है दही। काला नमक, रेड चिल्ली पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, फिर से एक बार वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। दही, फिर मसाले, फिर ग्रीन चटनी, फिर टैमरिंड चटनी। अब इसके ऊपर डाल देंगे अनारदाना और धनिया। ये हमारा डिश लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सेब। आप चाहे तो इसके साथ पपड़ी भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाउ आवर चाट इज कम्प्लीटली रेडी टू सर्व। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो, नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।